नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, अपनी वेबसाइट में आप कैसे बना सकते हैं HTML में ब्लॉग, वो भी बूटस्ट्रैप 5 की हेल्प से। ब्लॉग का डिटेल पेज कैसे बना सकते हैं, ब्लॉग में साइड बार कैसे बनाएंगे, और अगर आप जैसे स्क्रॉल करते हैं तो ब्लॉग का जो साइड बार फिक्स कैसे कर सकते हैं ऑन स्क्रॉल में, क्या ये सब कुछ मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो देखिए, ये एक मैं आपको डेमो दिखाने जा रहा हूँ जो इस ट्यूटोरियल में बनाने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे ब्लॉग की लिस्टिंग हो रही होगी और यहाँ पे किसी भी आप रीड मोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉग का डिटेल पेज खुलेगा, जिसमें लेफ्ट में ब्लॉग की इमेज आएगी, ब्लॉग का टाइटल आएगा, और यहाँ पे देखिए ये कंटेंट आ रहा है ब्लॉग का, जो कि मैंने अभी डमी डिस्क्रिप्शन ली है एज। और देखिए यहाँ पे राइट में रीसेंट पोस्ट, यहाँ पे रीसेंट पोस्ट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया है, जिसमें बाकी की पोस्ट आएंगी, और यहाँ पे रीड मोर करेंगे, रीड मोर पे क्लिक करके वापस इसी पेज पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए रीलोड हो रहा है, इसी पेज पे आ रहा है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है स्टैटिक है तो कंटेंट चेंज नहीं होगा, ये एक डिजाइन है। जब मैं यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ये स्क्रॉल बार यहाँ पे फिक्स है, इस टाइम यहाँ पे स्क्रॉल नहीं कर रहा, बट जैसे ही वो लेफ्ट वाले कंटेंट के इक्वल हो जाएगा नीचे से, तब ये स्क्रॉल हो जाएगा। देखिए एक मिनट मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, देखिए क्योंकि भी फिक्स है, और जैसे ये इसके इक्वल हुआ ये देखिए स्क्रॉल इसका नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा। इसी तरह से दोबारा जब मैं रिवर्स करूँगा तब भी ये फिक्स रहेगा और इसके साथ आएगा तब ये नॉर्मल हो जाता है। तो मैं आपको ये सब कुछ सिखाऊंगा, और इसको देखिए ये बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली भी है, मैं आपको छोटी स्क्रीन करके दिखाता हूँ, देखिए मोबाइल फ्रेंडली भी है ये। इसी तरह से जो पुराना वाला ये भी मोबाइल फ्रेंडली भी है, मोबाइल में भी आप इसको बना सकते हैं और बड़ी स्क्रीन पे भी देखिए अच्छा आएगा। और इसी में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप अभी हम एक लाइन के अंदर तीन ब्लॉक बना रहे हैं, और बाय और किसी केस में अब नीचे वाले केस में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन के अंदर तीन नहीं आ रहे, तो वो लेफ्ट से स्टार्ट ना हो के वो सेंट्रलाइज हो जाएगा अगर वो तीन से कम है, तो वो कैसे कह सकते हैं वो सब कुछ मैं सिखाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।